हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंग्लिश के अंदर, जहां से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप अगर पिछले साल के पेपर देखोगे तो इस तरीके से आपके पेपर में 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक आते हैं। उनमें कहीं आपको प्रीपोजिशन भरना पड़ेगा, कहीं आपको एडजेक्टिव भरना पड़ेगा, कहीं आपको एडवर्ब भरना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हम सीखेंगे। बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन हम कैसे फिक्स करते हैं और कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं जिनके बारे में हमें विशेष जानकारी होने चाहिए और जो पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। वीडियो को एक बार आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के संग, लाइक कर देना जब पसंद आएगी, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रीपोजिशन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, प्रीपोजिशन का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं, प्रीपोजिशन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्री, तो प्री का मतलब क्या होता है सर? पहले, ये हो गया पहले। और पोजीशन का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, कि यहाँ से हमने अगर प्री निकाल दिया अलग, उसके बाद अगर मैं पोजीशन का मतलब आपसे पूछूंगा, तो पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, मतलब कि पहले की स्थिति दर्शाए। अब सर किसकी पहले की स्थिति दर्शाए? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले। आप याद रखना, नाउन हो या फिर आपका प्रोनाउन हो, इसके पहले जो शब्द लगते हैं उसकी स्थिति बताने के लिए, उन्हीं को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन, हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन आपके नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे। आप अगर इस तरफ देखो तो यहाँ देखो खाली स्थान लिखा है चेयर, चेयर क्या है? नाउन है, इसके पहले क्या भरेंगे? प्रीपोजिशन। यहाँ टेबल, टेबल के पहले खाली स्थान नाउन है, टेबल प्रीपोजिशन। डेस्क, ये भी नाउन है। रूम, ये भी नाउन है। एट नाइट, यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊँगा कि चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। बस इतना आपको समझना है कि जनरली प्रीपोजिशन कंसीडर करते हैं हम किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर वो उनकी स्थिति को दर्शाते हैं। ये बात क्लियर कि प्रोनाउन क्या होता है। अब आज की क्लास में हम अपने कौन कौन से प्रोनाउन सीखेंगे, जरा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है, सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है, सबसे पहला वो आता है इन। अब इन क्या होता है सर? इन का अगर हिंदी में अर्थ बताएं तो इन का मतलब होता है में, है ना? अगर हिंदी में हम जानना चाहें तो इनका मतलब क्या होता है? मैं। लेकिन अगर मैं इसका यूज़ करूं, इसका प्रयोग करूं, तो इसका प्रयोग कहां कहां पर होगा? तो आपको एक बात याद रखना है, इनका मतलब वहां हम प्रयोग करेंगे जहां पर कोई चीज़ किसी एरिया को कवर करेगी। एरिया मतलब क्या होता सर? क्षेत्रफल को। अब क्षेत्रफल कैसे सर? देखो, जैसे आपने क्या किया, आपने क्या किया, मान लिया कुछ समय के लिए आपने कोई काम ऐसा किया जिसमें थोड़ा सा एरिया कवर हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर हम इंग्लिश में उस सेंटेंस को बनाएंगे तो जो प्रीपोजिशन लगेगा वो इन लगेगा। इन को हम प्रयोग करेंगे जहाँ पर एरिया कवर होगा। बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी आती है आपके प्रीपोजिशन, वो होती है आन। आन का मतलब क्या होता है? आन का हिंदी मतलब होता है पर, लेकिन इसका जो हम यूज़ करते हैं, आन का जो यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं सरफेस। सरफेस का मतलब सतह। जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी हुई होती है, किसी सतह पर रखी हुई होती है, तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? हम आन का प्रयोग करते हैं। अगर सतह पर रखी होगी तो इन आन का प्रयोग करेंगे, अगर वह एरिया कवर कर रही होगी तब किसका प्रयोग करेंगे सर? इन का प्रयोग करेंगे। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? अगला जो आपका प्रीपोजिशन है वो है एट। एट किसका हम इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो एट का जो प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई एक फिक्स टाइम दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चीज़ मान लिया किसी एक पॉइंट पर है, तो हम उसको जब दर्शाएंगे तो जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो हम एट लगाएंगे। इस बात को आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। जो चीज़ जितनी बड़ी होती जाएगी, जैसे मैं इनका
प्रयोग करूंगा तो जो चीज जितनी भी बड़ी होती जाएगी उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई चीज किसी सरफेस पे रखी होती है। अभी इसके आगे मैं आपको इन इनसाइड और इनटू भी बताऊंगा, तो आप यहीं से अंतर समझते हुए चलना। इन जनरली यूज होता है जब चीज कोई पहले से अंदर ही हो। जब कोई चीज पहले से अंदर होती है तो उसी केस में हम इनका प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग करते हैं जब कोई चीज कोई एरिया घेरती है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, जरा प्यार से समझना। जैसे पहला एग्जांपल है आई एम सिटिंग, फिर है खाली स्थान, उसके बाद द टेबल। अब द चेयर, चेयर का मतलब क्या होता है, कुर्सी। अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ मैं, अगर मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ तो कोई ना कोई एरिया कवर करूँगा ना। अरे बताओ, अगर मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ तो कोई ना कोई एरिया कवर करूँगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। यानी पहले में हमें क्या भरना पड़ेगा, इन भरना पड़ेगा। आई एम सेटिंग इन द चेयर। अब कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पर आन भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी के सरफेस पर बैठेंगे। भाई कॉमन सी बात है, सबके दिमाग में ऐसा प्रश्न आएगा। तो जरा सुनो, जो कुर्सी होती है ना, उस कुर्सियाँ कई प्रकार की होती हैं। जिन कुर्सियों में आर्म की बात करेगा, आर्म मतलब जो हाथ रखने वाला होता है, अगर उसकी बात करेगा, वो कुर्सी में मौजूद है तो आप इनका प्रयोग करोगे। लेकिन अगर वो कुर्सी पर नहीं मौजूद है, नॉर्मल सी कुर्सी है जिसमें आर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में आप आन का प्रयोग करोगे, क्योंकि तब आपके पास कोई जुगाड़ नहीं हाथ रखने के लिए। आप केवल बैठोगे किस पर, सरफेस पर। लेकिन जनरली अगर हम ज़्यादा इसमें बताएं कि ज़्यादा परसेंटेज किस प्रीपोजिशन के साथ है, वो इन के साथ है, तो हमारा क्या भरा जाएगा, आई एम सेटिंग इन द चेयर। यानी मैं चेयर में बैठा हूँ या चेयर पे बैठा हूँ, ऐसे आप समझ सकते हो। दूसरा आपको समझना है, आई कैन सी टू बॉक्स, मैं बॉक्स को देख सकता हूँ। कहाँ पर, द टेबल। अब टेबल के ऊपर, अब अगर यह कोई टेबल है, मान लिया यह आपकी कोई टेबल है भैया, बन गई कोई टेबल, और इस टेबल पर कोई एक ऐसे बॉक्स रखा हुआ है, तो टेबल के ऊपर बॉक्स रखा है। टेबल की यह क्या है, यह टेबल की सतह है ना, और इसी सतह के ऊपर ये क्या रखा है, बॉक्स रखा है। तो जब कोई चीज़ किसी सतह पर रखी हुई होती है, उस कंडीशन में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, आन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब जो दूसरा हमारा फिलर है, इसमें क्या भरा जाएगा, आई कैन सी अ बॉक्स ऑन द टेबल, ये यहाँ भर दिया जाएगा ऑन। ये ऑन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ इन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा नंबर देखो, मीट मी, मुझसे मिल सकते हो। कहाँ पर, माई डेस्क, मेरी डेस्क के ऊपर। अब मान लिया भाई कि हम कहीं काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारी डेस्क बिल्कुल क्लियर है कि मैं इसी स्थान पर बैठूंगा। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपसे मैं कहाँ मिलूंगा, तो मैं उससे क्या कहूँगा कि आप मुझसे हमारी डेस्क पर मिलो। यही तो कहूँगा कि आप मुझसे हमारी डेस्क पर मिलो। तो डेस्क हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है भाई, भाई डेस्क हमारा एक निश्चित पॉइंट बता रहा है कि एग्जैक्ट आपको यहीं पर मिलना है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ क्या लगाएंगे, सर एट लगा देंगे। एट क्यों लगाया, क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यानी मीट मी, मिलो मुझसे, कहाँ पर, मेरी डेस्क पर, एट माई डेस्क। तो ये एट यहाँ पर लगा, बिकॉज एट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम लगता है। क्या बात आपकी समझ में आ गई है। अगला देखो, He is the room. अब अभी मैंने आपको बताया है कि इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जब कोई चीज़ पहले से अंदर हो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। समझो जरा, हमने लिखा He is in the room. He माने है, इस माने ही माने वह, इस माने है, द रूम माने रूम, वह रूम है नहीं। अगर इसमें ऑप्शन दे इन, तो हम क्या भरेंगे, इन एट या बाई विद, तो हम क्या भरेंगे, हम इन भरेंगे। क्यों इन भरेंगे, क्योंकि ही इज इन द रूम, वह पहले से रूम के अंदर है। अच्छा एक थोड़ा सा अंतर आप यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा अंतर समझिए, नहीं आप अभी कन्फ्यूज हो जाओगे, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। देखो मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, हमने एक और एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा ही केम, उसके बाद द रूम, द क्लास, ऐसे लिख दिया, क्लास लिख दिया या रूम लिख दिया।
ही केम, ये कम नहीं है, ये केम है ना, ये केम है, और ये यहाँ पर कहा ही इज इन द रूम। अब मैंने दो सेंटेंस लिखा, हमने कहा ये बताओ यहाँ पर क्या इन भरेंगे या यहाँ पर भी हम इन भरेंगे, क्या आप यहाँ पर इन भरेंगे? नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? ही माने वहाँ, केम मतलब आया, और कहाँ आया? द क्लास, क्लास में आया। तो आप देखो यहाँ पर सेंस निकल रहा है बाहर से अंदर की ओर, और जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर आती है तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? इन साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इन नहीं लगा। इन का प्रयोग हमने यहाँ क्यों किया? क्योंकि इन जनरली हमें बताता है कि जब कोई चीज़ पहले से अंदर हो तो उस कंडीशन में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ही इज इन द रूम, वह रूम में है। तो इन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर? इन और इन साइड में अंतर आप समझ गए हो ना। अगला देखो, अगला है द थीफ इंटर्ड। थीफ मतलब चोर, चोर ने इंटर्ड किया कहाँ पर? हाउस, हाउस में नाइट। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सी मेरी बात और समझ लेना क्योंकि वो बात बहुत ज़रूरी है। देखो एक होता है आपका मॉर्निंग, एक क्या होता है सर? मॉर्निंग। एक होता है आपका इवनिंग, एक होता है आपका आफ्टरनून, ऐसे आफ्टरनून तो हम लिखेंगे नहीं, एक होता है आपका नून और एक होता है आपका नाइट। अब देखो इन सबके साथ हम किस किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? जब भी कभी मॉर्निंग की बात की जाएगी तो मॉर्निंग के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन ही आता है। हम लोग कहते नहीं हैं यू कैन मीट मी इन द मॉर्निंग, आप मुझसे सुबह में मिल सकते हो। यू कैन मीट मी इन द इवनिंग, तुम मुझसे शाम में मिल सकते हो। तो जो मॉर्निंग और इवनिंग है इनके साथ हम किसका कंसिडर करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन नाइट की बात आएगी तो नाइट में हम एट का प्रयोग करेंगे, और अगर आफ्टरनून की बात किया जाएगा जो कि एग्जैक्ट कितने बजे होता है? 12 बजे, तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको याद ही याद रखना है। मॉर्निंग के साथ इनका प्रयोग, इवनिंग के साथ भी इनका प्रयोग, जो एग्जैक्ट नून होता है मतलब 12 बजे का समय, उसके साथ भी हम एट का प्रयोग करेंगे, और नाइट के साथ भी एट का प्रयोग करेंगे। ये चार चीजें नोट कर लो, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं फिलर के अंदर। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, बताओ क्या भरा जाएगा? द थीफ, चोर ने एंट्री की कहां पर? हाउस के अंदर। नाइट आ गया, नाइट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं, बात खत्म। अगर आपको पता ये भी नहीं था तो आप इसके सेंस से भी निकाल सकते हो। द थीफ, अगर भाई चोर इंट्री कर रहा है, चोर घर के अंदर घुस रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो लंबे समय से घुस रहा होगा। अरे बताओ, चोर लंबे समय से अंदर घुस नहीं रहा, चोर एक कोई एग्जैक्ट पॉइंट रहा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा, उस समय चोर घर के अंदर घुसा होगा। तो इसीलिए आप अर्थ से भी इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो बता सकते हो, क्या लगेगा? एट लगेगा। तो 5 नंबर में क्या भरा जाएगा? एट। ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, कहीं अलग के प्रश्न नहीं हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अगर पब्लिकेशन की बुक लिए हुए हो तो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वी शैल मीट 6 o'clock। अब समय आपको याद रखना है कि हमने अभी आपको बताया था कि एट का प्रयोग कहाँ करेंगे। एट का प्रयोग करते हैं सर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो समय फिक्स होता है उस समय के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। वी माने हम, शैल मीट मिलेंगे कब? 6 o'clock, 6 बजे। अब ये बताओ 6 बजे एग्जैक्ट हमको मिलना है, तो क्या 6 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है? अरे बताओ 6 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन कंसीडर करेंगे? हम एट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा कि वी शैल मीट एट 6 o'clock, बिकॉज जो 6 o'clock है, ये जो 6 o'clock है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है मेरे दोस्त? एट लगता है। ओके, 7 नंबर देखो, ही केम मिडनाइट। लगाओ जरा इस क्वेश्चन में, बताओ क्या आएगा? ही केम, केम मतलब वह आया, मिडनाइट का मतलब मध्य रात, जब भूतों का समय होता है तब वह आया। तो अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा?
फटाफट बताओ क्या आएगा। तो देखो मिड नाइट, अब ये मिड नाइट क्या है, मिड नाइट, मिड नाइट एक रात का फिक्स टाइम होता है भाई, मध्य राति एक रात का फिक्स टाइम होता है, और फिक्स टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। लो जी एट आ गया, ही केम एट मिड नाइट, वह मध्य रात्रि को आया, ठीक है ना। आठ नंबर देखो, वी हैव अ हॉलीडे दिवाली। अब एक बात और समझो, जितने भी आपके त्यौहार हैं, जितने भी आपके त्यौहार हैं उनके साथ भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि त्यौहार एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय पर आते हैं त्यौहार। अब ये मत कहना सर इस बार 26 को है तो अगली बार 22 को हो सकता है, वो नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अपने समय पर ही आते हैं त्यौहार। तो इसीलिए हम जितने भी हॉलीडे हैं, जितने भी त्यौहार हैं उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, वी हैव हॉलीडेज, मेरे पास छुट्टियों के रूप में अभी क्या है, दिवाली है, तो दिवाली एक त्यौहार है, इसीलिए क्या लगाएंगे हम, एट लगा देंगे। क्या बात समझ में आ गई है, क्लियर बात समझ में आ गई है। अब इसको देखो, नौ नंबर, नौ नंबर कह रहा आई विल केम द नाइट ऑफ 10th July। अब कुछ लोग यहाँ पर दिक्कत कर देंगे, अब कुछ लोग यहाँ पर दिक्कत कर देंगे कि सर यहाँ पर क्या आएगा, आई केम, आई विल केम द नाइट ऑफ द 10th July। देखो प्रॉपर किसकी बात की गई है, 10 जुलाई की बात की गई है, और 10 जुलाई में किसकी बात की गई है, नाइट की बात की गई है। अब एक बात जरा हमें बताओ, एक बात हमें बताओ जरा कि यहाँ पर क्या मैं ऐट लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर ऐट लगा सकता हूँ, जरा आप एक बात बताओ, ऐट क्या यूज़ करेंगे। अरे ना ही भैया, ऐट नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि 10th July, ये जो 10 जुलाई है ये तो अपने आप में फिक्स है, तो ये 10 जुलाई पे कब आया, 10 जुलाई इसकी नाइट में आया, 10 जुलाई की रात को आया, कौन, मैं आऊँगा, कब आऊँगा, 10 जुलाई की रात में आऊँगा। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन क्या भरेंगे, ऑन भरेंगे, क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का हिंदी मतलब पर भी तो होता है भाई, सरफेस के साथ साथ आपको तो ये भी पता है कि ऑन का मतलब पर भी तो होता है। तो मैं कब आया, 10 जुलाई को आया, और 10 जुलाई के कब आया, 10 जुलाई की रात को आया, तो मैं 10 जुलाई की रात पर आऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पर का सेंस निकल रहा, तो क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या बात आपकी समझ में इतनी आ गई है, बोलो क्या बात आपकी समझ में इतनी आ गई है कि नहीं आ गई है, बोलो भैया समझ गए हो ना ये बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे इन, इनसाइड और इनटू की, इतनी बात आप समझ गए हो। अब देखो, अब हम बात करेंगे इन और इनसाइड और इनटू, इनमें क्या अंतर होता है वो भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। इन, एट और ऑन का प्रयोग आप सीख चुके हो, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब समझो, अब होता है इन, इन के बाद होता है इनसाइड, इन के साथ होता है क्या सर, इनसाइड, और एक होता है आपका इनटू, इन, इनसाइड और इनटू। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, इन का प्रयोग हम जनरली कहाँ पर करेंगे कि जब कोई चीज़ पहले से अंदर हो, जब कोई चीज़ अगर पहले से अंदर है तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे यू आर इन द रूम, आप रूम के अंदर हो, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि तुम पहले से रूम के अंदर हो, तो जहाँ पर अर्थ निकलेगा कि पहले से कोई चीज़ अंदर है तो इसका मतलब क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। अब इन साइड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो इन साइड का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जब कोई चीज आउटसाइड से इनसाइड जाए, मतलब बाहर से कहां को जाए, अंदर को जाए, उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड का प्रयोग करेंगे, बाहर से अंदर की ओर जाए,
इन टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? इन टू का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर सरफेस में चेंज हो। सरफेस में चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, सतह में बदलाव हो। अब सतह में बदलाव इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया आप अभी रूम पे खड़े हुए हैं, रूम में अपने आप फर्श पे खड़े हुए हैं, अचानक से आपके दिमाग घूमे और आप जाके कुएं में कूद जाएं। तो इस कंडीशन में जब आप कुएं में, यानी आप धरती पर, सॉरी धरती कह रहे हैं, आप मिट्टी पर खड़े थे, सोयल पर खड़े थे, वहाँ से आपने जंप लगा दी कहाँ पर? कुएं में। तो कुएं में मिट्टी तो है नहीं, कुएं में तो वाटर है, तो कुएं की सरफेस क्या हो गई? पानी हो गई, लिक्विड हो गई। जबकि जहां आप खड़े थे उसकी सरफेस एक सॉलिड थी, एक कठोर थी। तो इसकी सरफेस में परिवर्तन आया, तो आप क्या कहोगे? आई विल जम्प इन टू द वेल, ऐसे कह सकते हो ना। तो इन टू हम लगाएंगे वहां जहां पर सतह का बदलाव होगा, सरफेस का चेंज होगा। इन साइड का प्रयोग करेंगे जब हम बाहर से अंदर आएंगे, और इन का प्रयोग करेंगे जब कोई चीज़ पहले से ही अंदर हो। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे, आप समझ सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिए थे, राम इज इन द क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राम जो है वो पहले से क्लास के अंदर है, यानी पहले से वो कक्षा के अंदर है। तो ये हो गया राम का। जैसे मैं अगला एग्जांपल आपके दूसरा एग्जांपल दे दूं, दूसरा एग्जांपल यही मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, राम केम, उसके बाद खाली स्थान, द क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राम आया। अब राम कहाँ से आया? घर से आया, दुकान से आया, कहीं से आया, लेकिन वह बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। और जब बाहर से अंदर की ओर जा रहा तब क्या लगाते हैं? इनसाइड लगाते हैं। तो इसीलिए क्या लगाएंगे? इनसाइड लगाएंगे। राम केम इनसाइड द क्लास, राम बाहर से अंदर की तरफ आया, ये क्लास हो जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आई है? एक मैं आपकी बुक का एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। ये बताओ, ही जंपेड, फिर खाली स्थान है, फिर वेल, द वेल। ये बताओ यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाएगा? ही जंपेड, फिर खाली स्थान है, उसके बाद है द वेल। अब आप यहाँ पर देखो, ही जंपेड, जंपेड का मतलब कूदा। अब वह कूद गया, कहाँ पर कूद गया? कुएं के अंदर। और जब कुएं के अंदर कूद गया तो सरफेस में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो इसीलिए क्या लगाएं? इन टू लगाएं। देखो मैं फिर से आपको सचेत कर दूं, जितनी मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम वेरिएंटेड चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, एग्ज़ाम में अगर इससे बाहर कुछ भी आ जाएगी तो एक बार आना वीडियो पर और कमेंट ज़रूर करके जाना कि हाँ सर एग्ज़ाम में आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया। मेरे मित्र, हमने पूरा एग्ज़ाम की एनालिसिस कर ली है, हम जान गए हैं कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा। ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक टॉपिक होता है, बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। अगर कभी आप कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो सबसे टफ टॉपिक यही माना जाता है प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि सीनियर, सुपीरियर, इन सब के साथ टू का प्रयोग करते हैं, दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके के प्रीपोजिशन आप में कभी नहीं पूछे जाएंगे। पढ़ने को तो आप बहुत संसार पढ़ा है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप वो पढ़ो जो आपके काम आए, है ना। अभी क्या ही मतलब उतना बड़ा हमें टेंशन लेने की, हमें छोटे छोटे गोल अपने फिक्स करने हैं और उनको अचीव करना है। हमें सीधा बड़ा गोल नहीं मारना, हमें सीधे गोला नहीं दागना है, हमें छोटी छोटी बातों को सीखना है। यही सब तो पेपर में पूछा जाएगा। अरे बोलो, बात बिल्कुल क्लियर? क्या बात बिल्कुल क्लियर है? चलो अब मैं आपको जाते जाते दो प्रीपोजिशन और बताए दे रहा हूँ, और उस पर हम कल इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे। दो प्रीपोजिशन कौन से हैं वो समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। जैसे मैंने एक प्रीपोजिशन कहा विद और एक मैंने कहा बाई। विद और बाई, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? विद और बाई का प्रयोग कहाँ करेंगे? जरा आप में बताओ, विद और बाई का प्रयोग। देखो अगर मैं बताता हूँ, अगर देखो कई, इसके कई अर्थ निकलेंगे, आपको मैं बताऊँगा इसके कई अर्थ निकलेंगे।
सबसे पहले जो बेसिक अर्थ होता है वो मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो जो विद का प्रयोग होता है ना, सबसे पहले विद का प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है कि जिनमें जान नहीं होती है उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, विद का प्रयोग करते हैं। अब ये मत समझ रहे ना कि सर मैं लिख रहा हूँ सेलिब्रेटेड पार्टी विद फैमिली, तो वहां पर देखो कई सारे जगह प्रयोग होते हैं। जैसे अभी आपने इन में क्या देखा कि जब कोई चीज पहले होती है तब भी इनका प्रयोग करते हैं अंदर होती, या फिर आपने देखा कि जब कोई चीज किसी एरिया को कवर करती है तो भी इनका प्रयोग होता है ना। तो कहने का मतलब कई सारे जगह अर्थ ऐसे निकलेंगे, आपको अर्थ देख लेना है, निकाल लेना है, तो आपको बिल्कुल करेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे, ठीक ना। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान नहीं होगी। दूसरी चीज जो बाई होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा, वो लिविंग थिंग्स के साथ कंसीडर किया जाता है। लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है, जिनमें जान होती है। अब जैसे आपके अध्यापक आपको स्टिक से मारे होंगे, तो टीचर आपको किससे मारे होंगे, स्टिक से मारे होंगे ना, तो स्टिक के साथ वो किसका प्रयोग करे होंगे, वो प्रयोग करते होंगे विद का, विद स्टिक। योर टीचर इज बीटिंग यू विद स्टिक, आपके अध्यापक, योर टीचर आर बीटिंग यू विद स्टिक, तुम्हारे अध्यापक तुमको स्टिक के द्वारा पीट रहे हैं या स्टिक से पीट रहे हैं। तो स्टिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो इसीलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे अ लेटर इज रिटन बाई राम, लेटर को किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा लिखा गया, किसका प्रयोग, बाई का। बाई एज अ प्रीपोजिशन ही नहीं यूज होता है, ये कई तरीके से यूज होता है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझना है हर एक चीज़ को, बहुत डीप में नहीं जाना है। तो आज मैंने आपको कितनी चीज़ें बता, इसमें अभी और भी बताऊंगा कि विद का प्रयोग और कहाँ होता है, बाई का प्रयोग और कहाँ होता है, और फिर कल उस पर हम फिलर भी आपको कराएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। हमने कितने प्रीपोजिशन सीखे, इन, ऑन, एट, इनसाइड, इनटू और इन के प्रयोग, यानी पाँच प्रीपोजिशन हमने आज की क्लास में सीखे। ये दो हम नहीं काउंट कर रहे हैं, इनका प्रयोग हम कल की क्लास में सीखेंगे, जो आपके पेपर में आएंगे वही मैं कराऊंगा, बाकी मैं टोटल नहीं कराऊंगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।